अब यहाँ पे देखो ये गाड़ी। अरे ऐ तो अपना नूब एनिमिया। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग, अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अब इस बार हम आए थे यासनाया में, बोले तो यासनाया में ही। और भाई क्या हो गया, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे गेम पिल्ले को। मेरा पिंग 4 दिन से 150 के ऊपर ही जा रहा था, तो मैंने थक हार के अपने मोबाइल डेटा पे खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि वाईफाई से तो हो नहीं रहा था। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है मुझे बिल्कुल पता नहीं, तुम्हें अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और भाई इस मैच में इतनी ज्यादा भसड़ तो बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन ठीक ठाक हुआ है। मतलब कि हमेशा की तरह मेरे सारे टीममेट्स मर जाते हैं, बावजूद इसके कि उनका पिंग 20 का या फिर 40 के आसपास आ रहा था और मेरा 60, 70, 80, 90, 100 तक जा रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई जिंदा रहा, क्योंकि भाई मैं हूँ खतरनाक। अब बकवास करता हूँ बंद, क्योंकि मॉलिकॉट बनने का टाइम आ चुका है। ये ले बेटा, चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस जब भी अपन मौली फेंकता है तो मौली के साथ साथ उस बंदे की गाड़ी भी जल जाती है, लेकिन क्या सिर्फ एक मौली फेंकने से और एक बंदे को नॉक करने से रोजी रोटी चल जाएगी? नहीं ना, इसीलिए तो जा रहा हूँ ना आगे। और ऊपर से ये देखो कॉम्पी का 14, मैंने वो वाला नहीं 14 मतलब 14। और भाई मेरा वीडियो देखते वक्त तुम वैसे भी हेडफोन लगा दिया करो, क्योंकि मैं कब क्या बोल देता हूँ मुझे खुद भी पता नहीं रहता, और उसके बाद कब क्या तुम्हारे ऊपर उड़ता उड़ता आ जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, इसलिए हेडफोन लगा लो। बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसका क्या मतलब होता है कमेंट में बताना। चलो बेटा तुम भी, शायद इसके पास स्नाइपर थी, ये मेरी स्नाइपिंग का मजाक उड़ा रहा था। नहीं ट्रेव भाई, मेरे इस पे कोई चुप, मेरी स्किल्स का मजाक उड़ाएगा तू होता कौन है मेरी स्किल का मजाक उड़ाने वाला? अब गाइस यासनाया के इस कोने में कुछ भी बचा हुआ नहीं था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं तुम बताओ, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करता, यू नो। ये तो झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तो तुमको पता ही चल गया होगा। झूठ पे झूठ, ये तो पॉलिटिशियन बन सकता है। नहीं, मैं करता नहीं क्या तुमसे प्यार? हाँ त्रेवो भाई, आप हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये कौन सा बदतमीज इंसान है जो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है? उसकी दोनों टांगे फैला के उसके बीच में नमक का गर्म पानी घंटे में 2 बार छिड़कना पड़ेगा, तभी उसके कलेजे को गर्माहट मिलेगी। अरे जनता की सेवा करते करते मेरी रातों की नींद हराम हो गई, और आप इस तरह के इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। घर का बिजली लंका ढाए, लौट के बुद्धू रात को घर आए, तो इस वजह से हम भी इस घर में आ जाते हैं। और भाई ऊपर की तरफ कुछ बंदे कर रहे थे कैंप। अब तुमको तो पता है कि कैंपिंग कितनी चलती है इस घर में। एक बार क्या हुआ ना, मैं पॉटी करने के लिए बैठ गया, ठीक है, बाल्टी के नीचे से मुझे एक सिर दिखाई दिया। अब आमतौर पर मैं कुछ डरता बिरता नहीं हुआ ऐसी चीजों से, मैं बस जोर से चिल्लाया था, इतनी जोर से चिल्लाया कि आस पड़ोस के गाँव के लोग भी मेरे टॉयलेट के आजू बाजू गर्दा करने लग गए। गर्दा मतलब समझते हो ना, भीड़। अब मैंने जैसी बाल्टी उठाई उसके नीचे कुछ भी नहीं था, और सारी छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बिल्ली ने हमारे घर की एक छिपकली मार दी थी, उसका सिर उसने नहीं खाया, बाकी का हिस्सा खा लिया और उठा के टॉयलेट में रख दिया। अब वो सिर चलते चलते बाल्टी के नीचे चला गया। मुझे लगा कि सांप का मुंह है तो मेरी पैंट गीली हो गई ना। वैसे मेरी पैंट में भी मैं एक सांप लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं कि वो जहरीला नहीं है, लेकिन उसको डसने का मौका ही नहीं दिया जाता, क्या करे भाई। आज मैं कुछ ज्यादा ही डर्टी डर्टी माइंड्स वाली बातें नहीं कर रहा क्या? क्या लगता है तुम लोगों को है? अब क्या हुआ ना, यहाँ पे हमने किसी टीम को मारा था, तो उनके एक बच्चे कुछ बंदे को किसी और टीम ने मार दिया, और उनका टारगेट हम थे और हमारा वो। चलो भाई चलो बड़ा तुम भी। बस अब भाई इनके तीसरे बंदे को ढूंढने के लिए मैं ऊपर जाता हूँ, मुझे लगता है मैंने उसका चुम्मा लेके मैं उसके ऊपर से चला गया, लेकिन वो बंदा धुएं की वजह से मुझे नहीं दिखा। लेकिन ठीक यार, एडजस्ट कर लेंगे इतना उतना, उसमें क्या है, हैं? अब मुझे मेरे जहरीले नाक से शक की बदबू आ रही थी कि बंदा नीचे रिवाइव करने गया है। उफ़ा। मर जाना के जान लेके मानेगा क्या हराम खोर? अबे
तुम्हारे जैसे लोगों की तेज के लिए शराब है भाई, तूने क्यों मारा यार, मेरा क्लच हो जाता खराब। कंट्रोल ट्रेबो कंट्रोल। खैर वहाँ से निकल के मैं इस साइड आता हूँ और भाई मुझे लगा नहीं था कि मैच थोड़ा सा अच्छा जाएगा, पर क्या हुआ पता है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जाओ मैं नहीं बताऊंगा। भाई प्लीज यार तेरी ओवर एक्टिंग बंद कर दे। मैं ओवर एक्टिंग करता हूँ गाइस? क्या मैं ओवर एक्टिंग करने लगा हूँ आजकल? इतना चुभने लगा हूँ सबको, कहीं बबीता जी का अय्यर तो नहीं ये जमा नहीं क्या? दूसरा, इतना चुभने लगा हूँ सबको, कहीं मोदी तो नहीं? ओह नो, बहन के लफड़ा। इतना चुभने लगा हूँ सबको, कहीं बीसी गेम्स का प्रमोटर तो नहीं? खैर अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है, तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं नहीं देखने वाला। क्या क्या बोला तूने? मैं क्लच करूँ कि नहीं बताओ? करना है नहीं करना? कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये गाड़ी। और पल्सर आगे पल्सर। अरे ऐ तो अपना नूब एनिमिया, मैं आ कार की छत विच बंदों की तलाश में घूम रहा था, ताई मैनू एक कार विच चार बंदे घूमते हुए नजर आ गए, तो मैंने लगाया ते मैंने कुछ समझ नहीं आउंदा और आज के लिए इतना काफी। और इस साइड आके मैंने देखा कि भाई इनकी गाड़ी तो बीच रास्ते में पड़ी हुई है, अब इसका रीजन तुम्हें बाद में पता चलेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा था रहा किस चीज की, ये बंदे कब मेरे पर रश करेंगे उसकी। और ये क्लच मैंने इतना दिमाग लगा के किया है, तुम लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं कैंपिंग कर रहा हूँ और उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं, तो फिर ये देखो उनको सब पता था मैं कहाँ पे छुपा हुआ कहाँ पे नहीं। ठीक है, अब कुछ देर वेट करने के बाद उनके सबर का बांध टूट जाता है और वो बंदे मेरी बिल्डिंग में एक एक करके घुसने लग जाते हैं। ठीक है, सह लेंगे थोड़ा, उसमें क्या है, लेकिन ये बंदे मेरे पास पहुंचने से पहले मुझे उनके लास्ट वाले बंदे को नॉकआउट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों वो बाद में बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। नीचे वाले फ्लोर में आजा, नहीं मरेगा। और मुझे पता था चौथा बंदा अकेला अकेला क्या करेगा उधर, वो भी आने की या फिर कुछ ना कुछ मुंडी दिखाने की कोशिश करेगा, तो फिर ये ले बेटा। बस अब खेल खत्म है, इनका माइंड हो चुका है डाइवर्ट कि भाई अपने बंदे को बचाऊं या फिर इसको मारूं। उसमें से एक बंदा खुजली करेगा कि भाई मैं अपने बंदे को बचाने जा रहा हूँ, ये मेरा टीममेट है, ये मेरी जान है, आलू चिप्स बनाने की जो मशीन होती है उसके ऊपर बैठ के चिप्स बना सकता हूँ, मतलब कि उसके पास में बैठ के चिप्स बना सकता है। तुमको क्या लगा? अब कुछ नहीं करना, बस इनको उकसाना है और फिर जब ये मेरे पे रश करेंगे तो नीचे कूद जाना है, ताकि उनको भी खुजली हो नीचे कूदने की, उनको लगा कि भाई ये डर गया और मुझे अंडर एस्टिमेट कर देंगे। मार मार डैमेज। चलो बड़ा अब इनका चौथा बंदा कूदने की गलती कर ही रहा होगा, लेकिन इन तीनों ने उसको बताया होगा कि भाई कूद मत, कूदेगा तो चूत। और ये बात उसके दिमाग में आ चुकी होगी, तो वो बंदा इधर से उधर जाने की कोशिशें कर रहा था, उसको लगा कि ये मेरे हाथों से या फिर मेरे चंगुल से बच जाएगा, लेकिन ना ना ना। अब उसके टीममेट उसको बता रहे होंगे कि भाई इधर से आ ज्ञान, उधर से आ ज्ञान, ये हो ज्ञान वो। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस अरे भाई। और भाई मुझे लगता है कम से कम एक आध महीने के बाद मैंने एक क्लच किया है। वैसे मैंने किए क्लच काफी सारे, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं होते, क्या करे। और अब तुम्हें बताता हूँ कि इन बंदों ने गाड़ी वहाँ पे रोकी क्यों, लेकिन उससे पहले मुझे एक जाबाज खिलाड़ी को पकड़ना है हवा में। और अब भाई तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया उस बंदी का। खैर उसको जाने दो भाड़ में। और ये देखो तुम, फ्यूल खत्म होने की वजह से ये बंदी यहाँ पे रुके थे, इन्होंने एक फ्यूल उठा ही लिया था, लेकिन वहां से मैं उंगली कर रहा था ना, तो ये बंदे मेरे को मारने आ गए और खुद ही मर गए। भाड़ में जाए, मैं थोड़ा सा बैठ जाता यार, बैठ के बात करूंगा, खड़े खड़े लग रहे थे मेरे लसन। उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई गाड़ी यहाँ पे अगर आसपास दिखती है तो उठा लेते हैं, क्योंकि जोन भी आने वाला था, लेकिन तभी मेरे आगे से कुछ बंदे आते हैं, तो चलो भाई। अब एक मौली मैं यहाँ पे फेंकता हूँ, दूसरी मौली मैं यहाँ पे फेंकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता इसका, क्योंकि वो बंदा शायद सेकंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी पे था, तो मैं आगे जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मुझे पता था इसका एक
ये बंदा यहाँ पे अकेला है और इसके दो टीममेट उस साइड है। तो जैसे जैसे इसके टीममेट इसके पास आएंगे, इस बंदे का मनोबल बढ़ता रहेगा और आखिर में ये बंदा मेरे पर रश खुद ही करेगा। और वैसा ही होता है, ये देखो। चलो बड़ा भाई MG3, चलो बड़ा तुम भी, चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस इतने सस्ते में ये बंदे निपटे ना, इतने सस्ते में तो इंडिया में वोट भी नहीं बिकते। खैर अब यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, क्या करूँ, इसका मार भी नहीं सकता। लगता है मेरे को कोई बॉयफ्रेंड ही बनाना पड़ेगा। अब अपनी भावनाओं में बहते बहते मैं इस घटिया गाड़ी के पास आता हूँ, लेकिन तभी मुझे बग्गी दिखती है, तो मैंने इस गाड़ी को लात मार के भगा दिया। और चलो भाई चलते हैं फटाफट जोन की तरफ। और ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक ही घर मेरे काम आता है, वो है ये आगे वाला स्क्वाड हाउस। लेकिन माँ की आँख उसके ऊपर भी बंदे थे। पर गाइस तुम्हारे भाई ने, मतलब कि मैंने AKM छोड़ के भल्लाल दे उठाया था, चूतिया थोड़ी ना हूँ, बहुत उड़ते उड़ते आ रहा था, कहीं पापा का परा तो नहीं। वैसे पर काट दिया मैंने उसके। और मजा ले भाई इसके टीममेट की, जो नीचे आके इसको रिवाइव दे दे। उसका टीममेट भी कह रहा होगा उसको, अबे यार एक ही जगह पे घूमे जा रहा है मादर। अब कर भी क्या सकते हैं, भल्लाल देव की आवाज से ही अच्छो अच्छो की पेंट गीली हो जाती है। तो इसको अच्छा समझने की गलती मत करना, धोखेबाज भी है उतना ही। अब मैं ऊपर वाले बंदे पे फोकस कर ही रहा था तभी ये देखो। अबे भाई तू क्या चूतिया उतिया है क्या, इधर हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, तू कहाँ वहाँ पे कैंपिंग करके बैठा हुआ है। बहन के ये कोई काम की चीज होती भी नहीं गाइस। गेम में सिर्फ बॉटों की गिनती घटाने के लिए आते हैं लोग, और ये इतने हरामी होते हैं। मैं एक किस्सा सुनाऊं क्या तुमको अभी? अरे सुन लो यार, अच्छा किस्सा है, कैसी बात कर रहे हो, इतना बुरा हो क्या मैं, इतना चुभने लगाओ तुम सबको, कहीं जेठालाल का नाजायज बच्चा बोला तूने। खैर अब यहाँ पे मेरे छत के ऊपर एक बंदा है, और मुझे पता नहीं था कि मेरे आगे वाले घर के अंदर जो बंदे हैं वो इसके टीममेट है, वरना मेरा प्लान कुछ और होता। अब एक तो इतनी हिम्मत करके मैं ऊपर चला गया, और ये बंदा देखो, मैं जैसे ऊपर गया ये बंदा उधर से कूद गया। मैं कहता हूँ इतना खौफ किस बात का, अच्छा भल्लाल देव का, हाँ सही बात है, वो तो होना भी चाहिए वैसे। और अब ये बंदे मेरे पे कर रहे थे रश। वो पेड़ के पीछे वाला लूटना फिर। तो मुझे लगा कि अगर तीनों एक साथ आएंगे तो मैं पिछड़ जाऊंगा ना, है कि नहीं, इसलिए मैं इस घर के बैक यार्ड में कूद गया और इस दीवार के पीछे आके छुप गया। पर कुछ ही देर में यहाँ पे जोन भी आ चुका था, तो मैंने उठाया स्मोक और फटाफट से दो स्मोक कर दिया लेफ्ट राइट, और फिर से इस घर की दीवार के पीछे आ गया। और भाई अब यहाँ पे इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं यार, मुझे अगर दिखता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता, लेकिन वो बंदा मेरे को दिखा ही नहीं, मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है तुम बताओ। तुमको एक अच्छा सा चिकन डिनर देने की इच्छा थी मेरे मन में, लेकिन ऐसी विपदा आ गई मेरे जीवन में कि नाम नहीं था मेरे आज के चिकन में। भाई ये बंदा कब कहाँ कैसे कूद गया और मुझे दिखा क्यों नहीं, अंधा हूँ क्या मैं, मेरे पूरे दोनों के दोनों आंखें मैंने ऊपर रखी। कंट्रोल। ये बंदा फिर भी नहीं दिखा मेरे को, भाई क्या मिस्टर इंडिया था क्या तू। खैर यार अब ये गुस्से का एक्टिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग मेरे को बुरा भला ना कह सको कमेंट में, है कि नहीं। सॉरी यार गाइस, इस मैच में मैं चिकन डिनर नहीं कर पाया क्योंकि अभी मेरा पिंग बहुत ही हाई चल रहा है 3-4 दिन से, जिसकी वजह से मैं गेम नहीं खेल पा रहा। तो शायद उसकी वजह से एक आध फ्रेम ड्रॉप हो चुका होगा जिसमें वो बंदा कूदा है और फिर वो नीचे आ गया अचानक से, है कि नहीं, ऐसा होता रहता है अक्सर मेरे ही साथ पता नहीं क्यों। खैर मैं तुम तमाम लोगों से वादा करता हूँ कि नेक्स्ट मैच में चिकन डिनर पक्का होगा, और अगर नहीं हुआ तो उसके बाद में तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तब बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।